चलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फ्रैपी एस की तरफ से। तो इनका आज एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है चाहत चाहत, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एम सी अल्ताफ की तरफ से। तो एम सी अल्ताफ का भी एक गाना रिलीज हुआ है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सिर्फ अभी ऑडियो रिलीज हुआ है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। यहाँ पर जो ब्रीजर विविड सफल है उसका 5th सीजन चालू हो चुका है कल से, और उसी का उन्होंने ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है हरजस की तरफ से। तो हरजस का जो सॉन्ग आने वाला है इनोवेरा एंटरटेनमेंट के साथ में, अब देख सकते हो उसका उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया है। अब देखते हैं ये कब तक रिलीज होता है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है उमर अंजुम की तरफ से। तो उमर अंजुम ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि वो काफ़ी गुस्से में थे, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है मैंज म्यूजिक की तरफ से। तो यहाँ पर मैंज म्यूजिक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला हुआ था, आप देख सकते हो अक्षय कुमार के साथ में। इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था ग्रेट स्टार्ट टू माई बर्थडे, वॉज अमेजिंग सीइंग अक्षय कुमार पाजी एंड कैचिंग अप इन लंडन आफ्टर सो लॉन्ग, इट्स ऑलवेज लाफ एंड जोक्स विद बिग ब्रो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है सीधे मौत से एनकोर एवीजे की तरफ से। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक स्टोरी में लगा हुआ था भाई लोग के नान चाकू कवर्स, आई एम नॉट द टाइप टू शेयर और चेक एवरीथिंग बट ऑलवेज गॉट लव फॉर यू ऑल। साथ ही एक और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था एसएम लिरिक्स आर नॉट गैंगस्टा, एसएम लिरिक्स आर एंग्री, फील द डिफरेंस। अगली जो न्यूज है वो आ रही है मूफार्ट की तरफ से। तो मूफार्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक स्टोरी में उन्होंने लिखा हुआ था शांत बैठा अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, हार्डकोर कर रखा है, आ रहा है हार्डकोर भी। और अगली स्टोरी में आप देख सकते हो लिखा हुआ था उन्होंने 24 आवर्स में मैक्सिमम व्यूज खींच दो पतंग पे, हार्डकोर ईपी भी अनाउंस करता हूँ फिर। अगली जो न्यूज अब आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा हुआ था, मतलब कि जो सॉन्ग था उनका बहुत पुराना गेड़ा खड़दा ऐसा ही कुछ नाम था, तो उसी को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा हुआ था गेड़ा खड़दा मैदान विच आई हैव बीन अंडरग्राउंड बिफोर यू न्यू इट एग्जिस्ट वी गिव बर्थ टू इट ऑन ओरकुट। इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज अब आ रही है एमईवे की तरफ से। तो एमईवे ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला हुआ था, आप देख सकते हो उसके नीचे सिर्फ उन्होंने एक स्टिकर लगाया हुआ है। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर एक भाई ने एमईवे की लाइव की क्लिप भेजी हुई थी जिसमें कि उन्होंने एडीके के साथ कोलैब वाली बात की हुई थी, तो आप खुद देख सकते हो उन्होंने क्या कहा हुआ था। ऑलरेडी तभी ना भी और एक गाना लाना चाहिए मेरे को, क्या बोलते हो अपने मेरा एक्चुअली तमिल का एक प्लान हो रहा था ट्रैक करने का विद एडीके ऐप ना, जो भाई अपना वो फिर तो गए तो बोल सकते शिट इनसेन फ्लो और इनसेन साउंड और इनसेन रैप वर्स आ गया तमिल का मेरे पास। एडीके रैप आपको पता होगा, एडीके सब लोग को एडीके का एक वर्स आ चुका है मेरे पास शायद, और बहुत टाइम पहले आ चुका है, अभी भी नहीं बहुत पहले आया है गाना, बट मैं ही थोड़ा लेजी हो रहा हूँ उसको कम्प्लीट करने में। बट लेकिन या क्योंकि एल्बम है लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग उस हिसाब से, बट लेकिन यस तमिल में भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।